तो कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के तुम लोग से पूछा कि अगली वीडियो में हमें किसे ट्रोल करना चाहिए, सिस्टर को, फ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को। तो तुम लोगों ने सबसे ज्यादा वोट किए गर्लफ्रेंड को। फिर कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फिर मैं निकल पड़ा मंगल ग्रह की ओर एक गर्लफ्रेंड की तलाश में। काफी देर तक भटकने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे एक लड़की का मैसेज आता है। तो गाइस मैं जॉइन हो चुका हूँ उसके वर्ल्ड में। अभी हम लोग देखते हैं वो ऑनलाइन है या नहीं। सो आप लोग देख सकते हो वो ऑनलाइन है। तो मैं जल्दी से मैसेज करके उसको यहाँ पे बुलाता हूँ, बिकॉज मैं उसका बेस नहीं ढूंढूंगा क्योंकि उसने मुझे अपने वर्ल्ड में बुलाया है। तो मैं उसको हेलो लिख के भेजता हूँ, देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है। तो उसने लिख के भेजा है हाय आप आ गए। तो मैंने उसको लिख के भेज दिया है हाँ आ गया, तुम्हारा बेस कहाँ है। अभी वेट करते हैं वो हमें आएगी लेने के लिए और फिर बातचीत करेंगे, मजा आएगा। वेट भाई पीछे ही तो है यार उसका बेस, चलो इधर चलते हैं। ओ भाई साहब इसके पास तो डायमंड का आर्मर है। अरे भाई अरे ये क्या बना रखा है भाई, भाई पाउडर स्नो भाई ये क्या है यार, फंस गया मैं तो इसके अंदर यार। फाइनली गाइस बाहर आ गया मैं। भाई ये कैसी जगह पे स्पॉन है भाई इसका, पाउडर स्नो में फंसा दिया। भाई साहब डायमंड का आर्मर लगता है प्रो है भाई, बच के रहना पड़ेगा इससे थोड़ा सा। तो इसने लिख के भेजा है कि आप ठीक हो, पता नहीं के गायब कर दिया इसके अंदर। तो मैंने लिख के भेज दिया कि मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई तगड़ा बेस बनाया यार, क्या मस्त घर लग रहा है। अभी इसने माइनक्राफ्ट स्टार्ट ही किया है खेलना, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बोल रही है आओ बेस दिखाती हूँ। तो चलो अपन लोग इसके पीछे चलिए चलते हैं और देखते क्या है इसके बेस में। भाई यहाँ पे दो शीप हैं, एक पिंक शीप है। ओ भाई साहब इस पिंक शीप पे क्या लिख रखा है, अब क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आइडिया। गाइस अभी और मजा आएगा इसको ट्रोल करने में। भाई हमें खुलेआम प्रपोज किया जा रहा है, तो भाई मैं अपना 200 आईक्यू लगाऊंगा और भाई इसको गति बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से ट्रोल करेंगे। तो अभी ना मैं ना ऐसे रिएक्ट करता हूं जैसे मुझे पता ही नहीं है, मैंने ये पढ़ा ही नहीं है ये जो इसने लिख रखा है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि अपन ने वो पढ़ लिया है। भाई अपन एकदम इनोसेंट बन के रहेंगे, इसको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। तो भाई मेरी हेल्थ कम हो गई है, मैं इससे ना थोड़ा सा कुछ खाने को मांगता हूं। देखते हैं अभी हमें ये क्या देती है, शायद ये चेस्ट में से कुछ निकाल रही है। ओ भाई साहब इसने मटन दे दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी हेल्थ बढ़ जाएगी इससे। रुको अपन लोग इसकी चेस्ट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ओ भाई साहब डायमंड और सारे के सारे टूल्स रखे हुए। अरे भाई साहब ये मार रही है यार, भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, बाहर क्या लिख रखा है और अंदर हमें पिटाई करी जा रही है। अब मैं क्या बोलूं यार, इन लोगों को ना समझना एकदम नामुमकिन होता भाई, खासकर लड़कियों को। तो इसने पूछा था कि मतलब पूछा नहीं था, बोला था कि मत छूना, तो मैंने इसको लिख के भेज दिया है नहीं छूंगा। भाई साहब भलाई का बिल्कुल भी जमाना नहीं है यार, अब मैं क्या बोलूं यार, बाहर क्या लिख रखा है और अंदर पिटाई की जा रही है यार। तो उसने लिख के भेजा है कि बहुत मेहनत लगी है इन सब चीजों को कलेक्ट करने में, तो मैं ओके लिख देता हूँ और भाई आगे मैं क्या ही बोलूं। ओ भाई साहब इसने ऊपर भी बेस बना के रखा हुआ है, बहुत तगड़ा बेस है, गोल्ड की प्रेशर प्लेट लगा रखी है भाई, नाइस। अमीरी देखो भाई क्या ही इसने मस्त बेस बनाया हुआ है। और ये आर्म स्टैंड नंगा क्यों है भाई, अच्छा ये जो इसका आर्मर है ना ये इधर लगा देती होगी। हाँ गाइज मेरे ना दिमाग में एकदम बहुत ही ज्यादा खुरापाती आइडिया आ रहा है, मैं इसका आर्मर लेके गायब होने वाला हूँ जब ये इधर लगाएगी। और अगर ये नहीं लगाएगी तो हम इसको मजबूर कर देंगे लगाने पे। तो ये पूछ रही है कि घर कैसा लगा, तो मैंने इसको बता दिया है कि मस्त घर बनाया इसने। और गाइज देखो उस साइड विलेज भी है यार, और उधर पाउडर स्नो पे स्पॉन है भाई, कोई अगर ऐसे ज्वाइन भी करता है ना तो भाई कुछ कर भी नहीं पाएगा। भाई क्या मस्त सीड मिला है इसको यार, इसका लक कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। और भाई ये क्या बोल रही है, थैंक्स बे, कुछ ज्यादा ही तगड़े तगड़े वर्ड है भाई। तो गाइस पता नहीं ये मुझे क्यों मार रही है, समझ नहीं आ रहा, रुको मैं इससे ही मैसेज करके पूछ लेता हूँ। तो मैंने मैसेज तो कर दिया, अभी देखते क्या रिप्लाई आता, पता नहीं यार क्यों मारने में लगी है फालतू में, हेल्थ कम कर दी मेरी, शायद ये कुछ टाइप कर रही है देखो। अरे भाई साहब इसका मैसेज आया कि बात क्यों नहीं कर रहा मैं, अरे यार बात नहीं कर रहा तो कोई मारता है यार। भाई लड़कियां कैसी होती हैं, सच में ऐसी होती हैं क्या है? मैं भाई पहली बार किसी लड़की के वर्ल्ड में आया हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। तो गाइस इसने गुड मॉर्निंग लिख के भेजा है और गुड मॉर्निंग के आगे भाई साहब क्या बोलूं यार मैं, भाई भाई ये क्या मॉर्निंग का है, मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत कर दी भाई। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई कमेंट में मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरा मतलब मजाक उड़ाओ भाई जितना उड़ा सकते उड़ाओ भाई। तो मैंने इसको लिख के भेजा है कि अपनी स्किन दिखाओ, तो इसका मैसेज आया है अभी अंदर चलो बाहर बारिश हो रही है। अच्छा भाई लॉजिक देखो भाई, बाहर बारिश हो रही है तो गीले हो जाएंगे, चलो अपन लोग अंदर चलते हैं फिर अंदर देखेंगे। गाइस स्किन देखो यार क्या तगड़ी स्किन है, मस्त स्किन सेलेक्ट करी है यार, प्यारी लग रही है बहुत बढ़िया। तो गाइस ये फिर से कुछ टाइप करने लग गई है, देखते क्या टाइप कर रही है। तो इसने लिख के भेजा है कि अभी बारिश हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते। फिर एक और मैसेज डाल दिया इसने, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। भाई साहब आराम, भाई देख रहे हो माइनक्राफ्ट खेलने में भाई लोग थक जाते हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं भाई, आराम करना है इसको, चलो अब कर लें दो इसका ही घर है। तो मैंने इसको लिख के भेज दिया है कि कर लो आराम। गाइस मेरे दिमाग में ना एक मस्त आइडिया है, देखो अभी बस तुम देखते जाओ इसका आर्मर मैं कैसे उतरवाता हूँ। तो अभी मैं ना एक मैसेज करता हूँ और जिसके बाद शायद से ये अपना आर्मर उतार दे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ कि आर्मर पहनते पहनते दर्द हो गया होगा बॉडी में तो आर्मर को उतार दो। वैसे यार लॉजिक तो है यार, आर्मर इतना भारी होता है हाथ पैर दर्द करने लग गए होंगे, देखते हैं उतारती या नहीं, वैसे मेरे को लग रहा है उतार दे।
तो गाइज उसका मैसेज आया है, अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो। तो गाइज वो मान चुकी है, अभी वो आर्मर उतारने वाली है। तो इसने आर्मर तो उतार दिया, अभी शायद ये सो जाएगी। तो गाइज ये सो चुकी है, अभी थोड़ा सा ना मैं वेट करता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है इसका, जग ना जाए। तो भाई बहुत देर हो चुकी है, अभी ये नहीं उठ रही है। तो यहाँ से भाई मैं सारा सामान लेके गायब होने वाला हूँ। तो थोड़े से ब्लॉक वगैरह ले लेता हूँ, यहाँ से कोबल स्टोन भी ले लेता हूँ, एंड वीट भी ले लेते हैं, ब्रेड बनाने के काम में आएगा। अपने पे अभी कुछ है नहीं ना, बाकी सारे बैरल तो खाली हैं, इसने अभी अभी स्टार्ट किया ना इसलिए। और बाकी कुछ अपने को चाहिए नहीं, और यहाँ से अभी मैं पूरा का पूरा आर्मर गायब कर लेता हूँ। आर्मर उठा के ना सीधे अपन लोग यहाँ से भागने वाले हैं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे भाई। ये हेलमेट आ गया, ये चेस्ट प्लेट आ गई, लेगिंग्स एंड ये बूट्स भी आ गए। तो गाइस मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आर्मर गायब कर लिया है, तो सीधे अपन लोग जल्दी से भागते हैं यहाँ पे। तो इसको एडवांसमेंट तो आ गई होगी शायद, ये अभी उठने वाली होगी, तो मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। अरे यार मैं एक चीज लेना तो भूल ही गया यार, मैं कोई भी वेपन वगैरह तो लेके आया नहीं हूँ। नीचे चेस्ट में से उठा लेते हैं इसकी, वहां पे बहुत सारा सामान था। तो ये रही इसकी चेस्ट, एंड यहाँ पे डायमंड है भाई। चलो मैं डायमंड छोड़ देता हूँ यार। एंडर पर्ल, वाटर बकेट, शील्ड एंड पिकेक्स मुझे चाहिए कि नहीं, एरो वगैरह उठा लेता हूँ, एंड सॉर्ड है नहीं यहाँ पे, एक्स ले लेता हूँ। चलो डायमंड तो रहने देता हूँ भाई, ये भी क्या याद रखेगी। यहाँ से मैं पूरा का पूरा फूड ले लेता हूँ। भाई खाना कैसे सजा के रखा हुआ है यार। तो यहाँ से मैं सब कुछ सेट कर लेता हूँ, शील्ड लगा ली एंड बो रख ली है यहाँ पे, फूड भी सेट कर लिया है मैंने। तो गाइस ये जाग चुकी है, मेरे पीछे पड़ चुकी है भाई, भागना पड़ेगा अब तो यार, जल्दी से भागता हूँ मैं। भाई साहब इसको मैं मार नहीं सकता यार, वरना कुछ गलत सीन हो जाएगा यार, ऐसे पिटाई मिटाई नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी से मैं भागता हूँ भाई, बिना लड़ाई किए भागता हूँ मैं। तो गाइस वो पीछे पीछे आने में लगी हुई है, जल्दी जल्दी भागता हूँ भाई, वो अपन रुकने वाले नहीं है भाई। भाई ये स्केलेटन मार रहा है, इसकी भैंस की टांग ले ले मर। गाइस दो हिट में मर गया भाई। ये क्या लेके भेज रही है, रुको मेरा आर्मर दो। अरे भाई हम नहीं देंगे आर्मर वगैरह, हम तो आर्मर लेने ही आए थे, अब क्यों दे हम वापस। भाई ये पीछे आ गई भाई, ये मारने में लगी हुई है। अरे भाई साहब एंडर पल फेंकता हूँ भाई। व्हाट एंडर पल भाई काम नहीं कर रही यार, ये कैसा वर्ल्ड है भाई, एंडर पल काम नहीं कर रही। अरे यार भाई हेल्थ तो मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई भाई, मैं यहाँ पे आके छुप चुका हूँ भाई। यहाँ से मैं जल्दी से हेल्थ बढ़ाता हूँ, वरना भरोसा नहीं है ये आ जाए। इसका गेमर टैग तो मुझे दिख रहा है यार, ये आ ना जाए, जल्दी जल्दी हेल्थ बढ़े यार, इतनी देर लगा रही है भाई। तो गाइस ये आ चुकी है, जल्दी से भागना पड़ेगा मुझे यार भाई। अरे यार ये एंडर पर लोड काम नहीं कर रही यार। वेट व्हाट, इसके पास आयरन का आर्मर और भाई एक और चीज़ इसके हाथ में क्या है, डायमंड की सॉर्ड। भाई तभी मैं कहूँ यार इतना ज़्यादा डैमेज कैसे पड़ रहा है, वरना इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता ही नहीं है यार। भागता हूँ यार, जल्दी भागता हूँ। ये भाई बहुत चंट है भाई, इसने अपने लिए पहले से ही एक इमरजेंसी के लिए आर्मर बना के रखा हुआ था, और सॉर्ड इसने दी नहीं अपने को। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जल्दी से मैं हेल्थ बढ़ाता हूँ और भागता हूँ जल्दी जल्दी। तो गाइस मुझे भागते भागते बहुत देर हो चुकी है, अभी वो पता नहीं कहाँ रह गई है पीछे, और मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ भाई। तो गाइस मैं यहाँ पे बच के आ गया हूँ। अभी अपन लोग ना थोड़ी सी से बात करते हैं, इसको थोड़ा सा चिढ़ाते हैं भाई। तो इसने यहाँ पे लिख के भेजा हुआ था कि मेरा आर्मर दो, तो यहाँ पे मैं दे बोल देता हूँ कि मैं नहीं दूंगा, अब आर्मर नहीं मिलने वाला। तो गाइस उसने लिख के भेजा है, अच्छा ठीक है बात मत करना मुझसे। अरे भाई साहब, भाई यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस मामला हो चुका है गाइस। वो गाइस गुस्सा हो गई है यार, अभी वो बोल रही है कि बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में। वो तो यार मुझे भी पता है कि मेहनत लगी थी, तभी तो मैंने चुराया है, अगर मेहनत नहीं लगी होती तो यार उसको लेने में मज़ा क्या आता। तो मैं इसको लिख के भेज देता हूँ कि तभी तो लेके भागा था। तो गाइस इसने लिख के भेजा है, आई लव यू, प्लीज़ मेरा आर्मर वापस कर दो। गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रही है। अपन भाई पिघलेंगे नहीं, अपन बिल्कुल नहीं पिघलेंगे भाई, अपन एकदम सख्त लौंडे। अब तो गाइस मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ, आर्मर नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी, देखते हैं क्या बोलती है। भाई इसने बोला है कि आज के बाद बात मत करना मुझसे। भाई साहब मामला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुका है, बट तुम लोग चिंता मत करो यार, वो सब हम देख लेंगे। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा ट्रोल करूँ इसको, तो यार इस वीडियो पे मुझे चाहिए 200 लाइक। भाई 200 लाइक कंप्लीट करवा देना कैसे भी करके, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।